Hello friends, today we'll talk about Thomas Carew of Jacobean age. Okay, he was a cavalier poet. Cavalier kya hota hai? Are members of aristocracy. Members of aristocracy who wrote in 17th century to support King Charles I the First. जो King Charles I थे first थे उनको जो support करते थे aristocrats उनको बोलते थे cavalier poets. Okay, जो Charles को support करते थे. Because they support the king, they are called royalist. उनको रॉयलिस्ट भी बोलते थे. ओके एंड कैवेलियर पोएट टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ लव. किसके बारे में बात करते हैं कैवेलियर पोएट? आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ कार्बेडियम. कार्बेडियम का मतलब होता है मीन्स लिव फॉर द मोमेंट. ओके, जो एक मोमेंट के लिए जीता है. थ्री आर कैवेलियर पोएट. थ्री कौन से कैवेलियर पोएट्स हैं, हम आगे बात करेंगे उनकी. थॉमस कैरियो, जॉन सेकलिंग, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करूंगी. रिचर्ड लवलेस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे. एंड रॉबर्ट हेरिक, नॉट ए कैवेलियर पोएट. रॉबर्ट हेरिक वॉज नॉट ए कैवेलियर पोएट बट इट्स स्टाइल मार्क हिम कैवेलियर पोएट. जो उनकी स्टाइल है वो उनको कैवेलियर पोएट की कैटेगरी में रखती है. ओके, तो कौन कौन है थ्री कैवेलियर पोएट्स? थॉमस कैरियो जो हम अभी बात कर रहे हैं, जॉन सेकलिंग एंड रिचर्ड लवलेस की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. एंड सिंस दे वेर कोर्टियर, जो कोर्ट में रहते थे, दे रोट पोएट्री विच मिरर्स द एटीट्यूड ऑफ कोर्टियर. ओके, तो वो कोर्टियर के बारे में ही, कोर्ट्स के बारे में ही बताते हैं. एंड कैवेलियर पोएट्री क्या होती है? इज ए डेरिगेटरी टर्म है. डेरिगेटरी का मतलब होता है मीन्स पीपल हु यूज इट इन ए नेगेटिव वे, जो नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं. इफ़ यू सर्च द मीनिंग ऑफ कैवेलियर का मतलब होता है पीपल हु आर एरोगेंट, जो लोग एरोगेंट होते हैं, हु शो डिसरिगार्ड, जो डिसरिगार्ड शो करते हैं उनको हम कैवेलियर बोलते हैं, अगर आप डिक्शनरी के मतलब से समझोगे. एंड थॉमस कैरियो हैज़ सर्व एज ए सेक्रेटरी एट थ्री एम्बिसस. थ्री एम्बिसस में वो सेक्रेटरी रहे थे. कौन से? वीनाइस में, हॉक और पेरिस में. एंड ही कन्वर्टेड 9 बिब्लिकल स्लेव्स इंटू एन इंग्लिश वर्ड्स. बिब्लिकल मतलब बाइबल के जो स्लेव्स थे उनको उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट किया था. एंड जो गैबट जिया बैटिस्टा मेरिनी, जो इटालियन पोएट है, जिया बैटिस्टा मेरिनी इटालियन पोएट है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई मेरिनी. वो इनसे इंस्पायर्ड थे मेरिनी से. कौन? थॉमस कैरियो एंड जॉन क्रॉफ्ट. जॉन क्रॉफ्ट ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हिम ऑल्सो. ठीक है, वो भी उससे इंस्पायर्ड थे. एंड चार्ल्स द फर्स्ट वॉज क्राउन एज द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1625. कब बने थे चार्ल्स द फर्स्ट? 1625 में. ही रोट ए पोएम टू द क्वीन इन 1630. जो क्वीन के बारे में उन्होंने पोएम लिखा था, कब लिखा था? 1630. ही वॉज क्राउन्ड एज ए जेंटलमैन ऑफ चार्ल्स प्राइवेट चैम्बर. जो चार्ल्स का प्राइवेट चैम्बर था उनमें इनकी काउंटिंग होती थी. उनको मुकुट था जेंटलमैन ऑफ चार्ल्स प्राइवेट चैम्बर में. ओके, एंड सीवर. सीवर क्या होता है? ही वॉज इन चार्ज ऑफ टेस्टिंग रॉयल फूड. वो जो भी उन रॉयल फूड बनता था उनके इंचार्ज थे बिफोर इट वॉज पासिंग टू द रॉयल मैन. जो रॉयल मैन, जो किंग को पास होने से पहले यही टेस्ट करते थे उस फूड को. ही वॉज गिवन द पोजिशन ऑफ जज ऑफ एलिगेंस. उनको जज ऑफ एलिगेंस की पोजिशन मिली हुई थी. एंड अर्ल ऑफ कार्बे क्लेरेंडन, हु कंसिडर थॉमस कैरियो एज द पर्सन ऑफ प्लीजेंट एंड फक्चुअस विथ. ओके, एंड हीज मेट्रिकल स्टाइल, जो उनकी मेट्रिकल स्टाइल थी, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन बेन जॉनसन एंड जॉन डन. जो हमने पहले पढ़े हैं, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट एंड बेन जॉनसन को हमने देखा है, तो उनसे इन्फ्लुएंस इनकी जो स्टाइल थी लिखने की, राइटिंग स्टाइल थी. एफ आर लीविस ने इनके बारे में बोला है, एफ आर लीविस LIVES, एंड 1946 में बोला है उन्होंने, कैरियो इट सीम्स टू मी हैज क्लेम्स टू मोर डेस्टिनेशन देन ही इज कॉमनली accorded. ओके, तो उन्होंने इनके बारे में बोला है, मोर देन ही वॉज accorded बाय दी विथ लव लेस एंड सकलिंग. दैट इज कॉमन एक्सेप्टेंस लिंक्स हिम विद द लव लेस एंड सकलिंग. जो लव लेस है एंड सकलिंग है, आगे हम पढ़ेंगे, उनसे इनको कंपेयर करके बोला है. ओके, तो हम वर्क की बात करते हैं. द फर्स्ट वर्क इज कॉलम ब्रिटेनिकम.
The first work is Coelum Britannicum. It is the only mask written by Carew. ये एक ही mask है जो उन्होंने लिखा है. You have to remember this. कई बार exam में पूछ लिया जाता है कि कौन सा mask है इनमें से जो Thomas Carew ने लिखा है, तो हमें ये याद रखना पड़ता है. तो ओके, इट इज़ द ओनली मास्क रिटन बाई Carew एंड वॉज परफॉर्म्ड बाई द किंग एंड हिज जेंटलमैन इन 1634 में किंग एंड उसके जेंटलमैन्स ने ये परफॉर्म किया था. ओके, एंड म्यूजिक ऑफ दिस इज कम्पोज्ड बाई हेनरी लुइस. और जो इसका म्यूजिक था वो किसने कम्पोज किया था? हेनरी लुइस ने. एंड द नेक्स्ट वर्क इज कैप्चर. नेक्स्ट वर्क इज रैप्चर. रैप्चर हिज पोएम्स आर एड्रेस टू द अनडिफिनाइट वूमेन कॉल सीलिया. एक अनडिफाइंड वूमेन के बारे में ये एड्रेस कर रहे हैं इस पोएम में, जिसका नाम है सीलिया. ओके, जिसका नाम है सीलिया. एंड दिस सीलिया इज Carew लवर फॉर ईयर्स. वो जो Carew, थॉमस Carew है, उनकी लवर थी ये बहुत सालों तक. बट ही डोंट नो हु दिस वुमेन इज रियलिटी. उनको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था. आउट ऑफ द लव पोएम्स लॉन्गेस्ट पोएम इज रैप्चर. जितने भी लव पोएम्स हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पोएम है रैप्चर. ओके, तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट इज एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ डैन ऑफ पैलिस. एंड एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ डीन ऑफ पर्स, डॉक्टर जॉन डन. जॉन डन के इन्होंने ऊपर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ओके, एंड ही ग्रेटली एडमायर द पोएम ऑफ जॉन डन. एज आई सेड, मेटाफिजिकल पोएट थे. हमने इनकी 4-5 वीडियो बनाई है, तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. एंड ही ग्रेटली एडमायर जॉन डन. ही कॉल द जॉन डन एज द किंग ऑफ यूनिवर्सल मोनार्कविट. जॉन डन को इन्होंने बोला है किंग ऑफ यूनिवर्सल मोनार्कविट. ओके, तो ये इनके जॉन डन के ऊपर पोएम था. एक क्वेश्चन आया था, हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन इज थॉमस Carew पोएम अपीयर इन प्रिंट इन 1640 एंड कंटेन ए वैरायटी ऑफ एनॉर्मस पोएम एड्रेस टू ए फिक्शनल मिस्ट्रेस नोन एज. फिक्शनल उनकी मिस्ट्रेस कौन थी? मैंने बताया कि एक ऐसी अननोन अनडिफाइंड वुमेन के बारे में उन्होंने रैप्चर में बात करी है, जिसका नाम था सीलिया. तो आंसर इज सीलिया एंड रिटन बाय थॉमस Carew. ओके, तो ये आपको याद रखना है. एंड एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आप. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्टेम्प्ररी ऑफ जॉन डन रोड द फॉलोइंग लाइन्स ऑन द डेथ ऑफ ऑन हिज डेथ. जॉन डन के डेथ के ऊपर किसने लिखा है? हियर लाइज द किंग दैट रूल्स एज ही थॉट फिट द यूनिवर्सल मोनार्क ए विट. द यूनिवर्सल मोनार्क ए विट किसको बोला है? जॉन डन को. तो ये किसने बोला है? थॉमस Carew. द आंसर इज थॉमस Carew. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्टेम्प्ररी ऑफ जॉन डन रोड द फॉलोइंग लाइन्स ऑन हिज डेथ. तो किंग लाइन कौन सी है? किंग्स ऑफ यूनिवर्सल मोनार्क विट आपको याद रखना है. और ये बोला था थॉमस Carew ने. द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज लास्ट वन ऑफ हिज वर्क इज टू बेन जॉनसन अपॉन ओकेशंस ऑन हिज ओड्स ऑफ डिफेंस एनेक्स्ड टू हिज प्ले ऑफ न्यू एने. ठीक है, ये किसने बोला है? As Ben Jonson is perfectionist, Thomas Carew work also shows that he was a perfectionist. उन्होंने भी उसे perfectionist ही बोला है. And he was so influenced by Ben Jonson that he wrote a critical piece of verse named as, क्या नाम लिखा है? To Ben Jonson upon occasions on his odes of defiance annexed to his play of New Annie. तो ये इन्होंने लिखा है, ही इज़ प्रेजिंग बेन जॉनसन इन दिस. वो इसमें बेन जॉनसन को प्रेज कर रहे हैं. एंड ही वॉज सो इन्फ्लुएंस बाय बेन जॉनसन दैट ही रोट दिस क्रिटिकल पीस ऑफ वर्ड्स. ओके, फॉर हिम. तो ये था हमारा थॉमस Carew. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब्राहम कॉले की. द नेक्स्ट वन इज अब्राहम कॉले. आज हम दो राइटर्स एक ही वीडियो में करेंगे. एंड अब्राहम कॉले क्या है? फेमस फॉर हिज एडॉप्टेशन ऑफ पेंडारिक ओड्स टू इंग्लिश वर्ड्स. जो पेंडारिक ओड्स है उनको अडॉप्ट करके इन्होंने इंग्लिश वर्ड्स लिखा है. ही रोट फेरी क्वीन ट्वाइस बिफोर ही वॉज सेंट टू स्कूल. उन्होंने ट्वाइस, दो बार फेरी क्वीन लिखी थी बिफोर ही वॉज सेंट टू स्कूल, स्कूल में जाने से पहले. ही रोट ए वर्ड्स कॉल्ड
पोएटिकल ब्लॉसम, उन्होंने पोएटिकल ब्लॉसम नाम की वर्ड्स भी लिखी थी। आपको ये याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये जो नोट्स है सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की जा रही है आपको, ठीक है। तो पोएटिकल ब्लॉसम किस में लिखा है इन्होंने, वर्ड्स में लिखा है, एंड इंस्पायर्ड बाय स्पेंसर फेरी क्वीन। ये किससे इंस्पायर्ड थे, स्पेंसर की फेरी क्वीन। ओके, एंड मॉन्टेग्ने जो फादर ऑफ एसिस्ट, आगे हम पढ़ेंगे जो फादर ऑफ मॉन्टेग्ने जो फादर ऑफ एसिस्ट है, अब्राहम कॉलेज राइटिंग स्टाइल समवेयर इन्फ्लुएंस बाय मॉन्टेग्ने, लगता है कि उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फादर ऑफ एसिस्ट जो थे मॉन्टेग्ने। एंड अलेक्जेंडर पोप सेज हु रीड्स कॉलेज नाउ, अलेक्जेंडर पोप ने उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि हु रीड्स कॉले नाउ, आजकल कौन कॉले को पढ़ता है। तो वो काफ़ी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही क्रिटिकल वर्क्स थे उनके, तो आगे हम उनकी बात करेंगे। एंड द वर्क, लेट स्टार्ट द वर्क्स ऑफ अब्राहम कॉले। ओके, एंड द फर्स्ट वर्क इज ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ पैरामस एंड थिस्बे। द फर्स्ट वन इज ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ पैरामस एंड थिस्बे, पैरामस एंड थिस्बे द फर्स्ट वर्क इज, यू हैव टू रिमेंबर द नेम, इट इज़ ए एपिक रोमांस, ये एक एपिक रोमांस है, रिटन इन सिक्स लाइन स्टैंजा, सिक्स लाइन स्टैंजा में लिखा गया है। ओके, आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट वन इज लव रिडल, द नेक्स्ट वन इज लव रिडल, 16 ईयर्स एज में लिखी थी ये उन्होंने, एंड पेस्टोरल कॉमेडी है ये। व्हाट इज दिस, पेस्टोरल कॉमेडी, ही रोट दिस एट द एज ऑफ 16, यू हैव टू रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट वन इज डेविडिस, द नेक्स्ट वन इज डेविडिस, इट इज अनफिनिश्ड, आपको ये याद रखना है, ये अनफिनिश्ड एपिक है, इन्होंने इसमें भी एपिक लिखने की कोशिश की थी लेकिन अनफिनिश्ड है। द फोर्थ वन इज स्टेज कॉमेडी नोन गार्डियन, स्टेज कॉमेडी नोन गार्डियन, इसमें ही इंट्रोड्यूस फॉग पनी, फॉग पनी क्या होता है, फनी क्या होता है, कैरेक्टर है ये, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसमें, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, एंड मिस्ट्रेस, फिफ्थ वन इज मिस्ट्रेस, ये क्या है, ही इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लव वर्ड्स, ये कलेक्शन है लव वर्ड्स का, ठीक है। एंड द सिक्स्थ वन इज एलिजी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड क्रैशो, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड क्रैशो, ये एक एलिजी लिखी है इन्होंने रिचर्ड क्रैशो के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, Who among the following poet wrote a poem comparing lover's heart to hand grenade? Hand grenade से उन्होंने compare किया lover's heart को, and given heart written by Mr. Abraham Cole. किसने लिखा ये, Abraham Cole ने, okay. And the major works, let us discuss about the major works of Abraham Cole. The first work is Pindaric Odes. द फर्स्ट वर्क इज पैंडारिक ओड्स, और इन्हें बोलते हैं इररेगुलर ओड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि अब्राहम कॉले ने पैंडारिक ओड्स लिखे थे, मेजर वर्क है उनका, और इररेगुलर ओड्स, ठीक है। एंड व्हेन कॉले वाज ऑन एक्साइल, ये इनको देश निकाला दिया गया था, एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला, ही मेट पैंडारिक, जो कौन थे, क्लासिकल राइटर थे, एंड रीड हिज वर्क एंड रिप्रोड्यूस हिज लॉफी वर्क इन इंग्लिश, जो उन्होंने उनको पढ़ा, उनके वर्क्स को पढ़ा जब उनको देश निकाला दिया गया था, एंड इंस्पायर हुए इनसे, और इन्होंने इनके जो वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके, एंड इट इज़ नोन एज इंग्लिश पैंडारिक ओड्स, इसीलिए इनको बोला जाता है इंग्लिश पैंडारिक ओड्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऑन द फेमस एंड ही यूज्ड एम्बिएक लाइन्स ऑफ इररेगुलर पैटर्न एंड राइम स्कीम, इसमें इन्होंने एम्बिएक लाइन्स यूज़ करी है इररेगुलर पैटर्न में, एंड राइम स्कीम भी यूज़ करी है। एंड ऑन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द फेमस पिंडारिक ट्रेडिशन रिटन आफ्टर कॉले इज़ बाय वर्ड्सवर्थ, इसके बाद में जो फेमस पिंडारिक ट्रेडिशन कौन हमें दिखाएगा, किसके बारे में, किसके वर्क्स में मिलेगा, वर्ड्सवर्थ के, नोन एज इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, जो वर्ड्सवर्थ की फेमस
पोयम है इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, उसमें हम पिंडारिक ओड्स को फिर से देखेंगे. ओके, तो वन ऑफ द फेमस पिंडारिक ट्रेडिशन आफ्टर कॉले इज बाय वर्ड्सवर्थ नोन एज इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी. ओके, तो ये आज हमने दो राइटर्स अपने कर लिए हैं, थॉमस कैरियो एंड अब्राहम कॉले. ओके, कल हम अपने आगे के वीडियो में अपने लास्ट जो जैकोबियन एज के थ्री राइटर्स हमारे बसते हैं, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस एंड रॉबर्ट हैरिक, इनको इनके बारे में बात करेंगे एक ही वीडियो में. कोशिश करूंगी कि मैं कंप्लीट कर दूं आपका. उसके बाद में हम चैप्टर 6 अपना सिविलियन वॉर एंड इंटीरेग्नम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए. अगर कमेंट कीजिए अगर आपको और भी कुछ मटेरियल बिल्कुल डेप्थ में चाहिए तो हम डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव ए नाइस डे.